चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाहाबाद उपचुनाव जनसभा में गोपाल कंडा और अभय सिंह चौटाला के साथ रिश्तों का ही डिंडोरा क्यों पीटा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सियासत में सिर्फ दो तरह के रिश्ते होते हैं, समर्थक और विरोधी। प्रतिद्वंदी दलों के नेताओं और प्रत्याशियों के दोस्त और मित्र कहने का मतलब पार्टी के साथ भीतरघात और विश्वासघात करना होता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत पुराने पॉलिटिशियन है और उनके मुंह से निकले एक एक शब्द का बड़ा मायना होता है। लेकिन दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीनों ही जनसभाओं में गोपाल कांडा को अपना मित्र बताने का काम बखूबी से किया। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला को भी पुराना साथी बताने का काम किया। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पवन बेनीवाल के लिए कुछ कहा, लेकिन कांडा और अभय सिंह के साथ रिश्तों का व्याख्यान करके हुड्डा की गड़बड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांगदान सभा में जो कांग्रेसी प्रत्याशी पवन बेनीवाल है उनका नाम भी तीन बार अटक अटक कर लेना पड़ा, जबकि विरोधी पार्टियों के नेताओं के साथ रिश्ते के बारे में वह आराम से पब्लिक को बताते रहे। भूपेंद्र हुड्डा का यह रिश्तों का गणित कहीं ना कहीं कांग्रेसी प्रत्याशी के खिलाफ अपने समर्थकों को वोट देने का इशारा नजर आया। आपकी क्या राय, आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। क्या कांग्रेस पार्टी में भीतरघात है, या गुट बने हुए उससे है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुमारी शैलजा से है जहां पिछले दिनों से जनसभाएं कर रही है और पवन बेनीवाल का साथ दे रही है। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।